नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। और आज हम बात करने वाले हैं बप्पा की, गणपति बप्पा मौर्य। वो विघ्नहर्ता हैं और वो प्रथम पूजनीय हैं। वो गौरी पुत्र हैं और हम उन्हें गजानन भी कहते हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति महाराज पधारने वाले हैं। कल यानी कि शनिवार के दिन गणेश चतुर्थी है और इसी दिन से गणपति उत्सव की शुरुआत भी होने वाली है। तो महाराष्ट्र से लेकर देश के दूसरे हिस्सों तक गणपति उत्सव का उल्लास देखते ही बन रहा है। शहर शहर गणपति के स्वागत की भव्य और दिव्य तैयारियां चल रही हैं। मुंबई से लेकर दूसरे शहरों तक गणपति के पंडाल में रंग जमने लगा है। गणेश उत्सव के दौरान भक्त गणपति को अपने घर लेकर आते हैं, उन्हें विराजते हैं, फिर उनकी प्रतिमा का विसर्जन भी करते हैं। कोई एक दिन के लिए गणपति स्थापित करता है तो कोई दो या फिर पूरे 10 दिन के लिए। तो आज हम गणपति उत्सव की महिमा और विधान को समझेंगे। कैसे आप अपने घरों में गणपति की पूजा कर सकते हैं, इसका विधान भी हम जानेंगे। साथ ही हम शुभ संयोग के बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य धर्माचार्य भी होंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कैसी है रौनक देश भर में गणपति उत्सव को लेकर। जितने रूप उतने नाम और उतना ही समृद्ध विनायक का संसार। गणपति सनातन परंपरा में प्रथम पूज्य माने जाते हैं। मंगल मूर्ति की आज्ञा से ही मंगल कार्यों का शुभारंभ होता है। गणपति यश के देव हैं, गणपति विघ्नहर्ता हैं, गणपति बुद्धि विवेक के दाता हैं और इसलिए घर घर में गणपति के आगमन का उल्लास देखते ही बन रहा है। मुंबई की माटी को लालबाग के राजा ने फिर से आकर धन्य कर दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गणपति बप्पा की फेवरेट मिठाई लड्डू है और जब गणेश उत्सव का मौका हो तो मुंबई में भला मिठाइयां अलग अलग प्रकार की क्यों ना बिकें। सबसे पहले तो तस्वीरों से आप देखें, एक अच्छी खासी कतार गणेश भक्तों की यहां पर है जो जुट गए हैं गणेश उत्सव की तैयारी में। खास बात यह है कि मुंबई के लालबाग राजा के आस पास ही लाडू सम्राट नाम का एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई की दुकान है और कुछ लोगों को ही भीतर जाने दिया जाता है और बाकी लोगों को बाहर इंतज़ार करने के लिए रोका जाता है, क्योंकि बड़े ही प्यारे और अच्छे तरीके से लोग अपनी पसंदीदा मिठाई खरीद लें। देखिए, ऐसा है कि इतने तमाम लोग हैं, चलिए इनसे भी कोशिश करेंगे बातचीत करने की। मैम, कहाँ से आई हैं आप? भाई कल ऐसे। अच्छा, ये मैं देख पा रहा हूँ आप काफी देर से खड़े हो लड्डू के लिए, तो क्या कुछ खास तैयारी है? और यहाँ का लड्डू वाकई में इतना फेमस है? फेमस है, पहले से बुना जूना दुकान है ना ये, तो मैं यहाँ पे ही जॉब करती हूँ इसलिए यहाँ से देके जाऊंगी। कल हमारे घर में बप्पा बैठने वाला है ना। हाँ, गणपति बप्पा मौर्य। तो क्या खास आपने तैयारी कर इसके लड्डू के अलावा और क्या खास? नहीं, दूसरा तो घर पे सब बनाते हैं, उकड़ी का लड्डू भी बनाते हैं ना मिठाई, वो तो फर्स्ट रहता है, लेकिन लाडू सम्राट फेमस है इसलिए अपने खुशी से पापा को अलग अलग वैरायटी के लड्डू, इसलिए मैं इधर आई लेने के लिए। गणपति उत्सव की धूम वैसे तो पूरे देश में है, लेकिन महाराष्ट्र में गणपति उत्सव के उल्लास का रंग ही निराला है। बड़े बड़े पंडालों में बाप्पा विराज रहे हैं, घरों की चौखट मंगल मूर्ति के स्वागत से धन्य हो रही है। ऐसे में सवाल है कि गणपति की प्रतिमा की स्थापना का विधान क्या हो। जैसा कि एक दिन पहले ही हम लोग को गणेश जी की मूर्ति अगर बाजार से लाना है तो बाजार से लाएं, और अगर घर पे है तो उसको साफ करके एक शुद्ध आसन पे उनको विराजमान कराना चाहिए और उनके आसन के लिए थोड़ा सा अक्षत रख लेना चाहिए और पुष्प रख करके भगवान गणेश को आसन देना चाहिए और भगवान गणेश का प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपको पुष्प रूपी आसन दे रहा हूँ, आप यहाँ पे इस दिन विराजमान हो और 11 दिन तक मेरे घर पे आप रहें और मैं यथाविधि आपका पूजन करूंगा।
और भगवान से प्रार्थना करना। मुंबई में बड़े बड़े पंडालों में जहां एक तरफ बाप्पा का स्वागत हो रहा है तो वहीं घरों में पधार रहे गजानन का सत्कार भी देखते ही बन रहा है। सभी को उस शुभ मुहूर्त का इंतजार। इस बार जो गणेश महोत्सव का आरंभ चतुर्थी तिथि से हो रहा है, चतुर्थी तिथि पर पूजा का शुभ मुहूर्त है। प्रातः काल 11:03 से दोपहर के 1:33 तक। हिंदू पंचांग में गणेश चतुर्थी के महापर्व का शुभारंभ भाद्रपद मास के शुक्ल की चतुर्थी से हो जाता है। 10 दिनों तक बाप्पा की महिमा का गान चारों तरफ सुनाई देता है। इस महापर्व में लोग गणपति की प्रतिमाओं को घरों में स्थापित करते हैं। अनंत चतुर्दशी को बाप्पा विदा होते हैं। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल भी होता है कि क्या दिन के हिसाब से गणपति की पूजा के विधान भी अलग अलग होते हैं। आप केवल चतुर्थी की पूजा करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे गणेश महोत्सव में यानी अनंत चतुर्दशी तक रोज शाम को गणेश जी के सामने दीपक जलाएं, उनकी पूजा करें और रोज शाम को उनकी आरती करें। अगर पूरे गणेश महोत्सव में ऐसा करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन जब गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन होता है, अगर उनका विसर्जन करते हैं तो भगवान गणेश की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। गणेश उत्सव आज देश का ऐसा अखिल भारतीय पर्व है जिसे जनमानस का उत्सव कहा जाता है। ये पर्व परंपराओं से परे खुद में एक परंपरा बन चुका है। ये उत्सव जितना पावन महाराष्ट्र के लिए है, इस त्योहार की उतनी ही अलौकिक छटा देश के बाकी राज्यों में भी नजर आती है। यही वजह है कि शहर शहर मंगल मूर्ति का स्वागत हो रहा है और गणपति बाप्पा मोरिया का जयकारा गूंज रहा है। तेरी भक्ति का वरदान है, जो कमा है वो धनवान है। ये तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक बार परिचय करा देती हूँ। आचार्य राज मिश्रा कुछ ही देर में जुड़ेंगे, उससे पहले हरलीन कौर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ हैं और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त पंडित अरविंद शुक्ला जी मौजूद हैं। हम चलेंगे अपने खास मेहमानों के पास, लेकिन उससे पहले जरा आपको मुंबई लिए चलते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जितनी रौनक वहां होती है इस उत्सव की, जितनी शिद्दत के साथ वहां इंतजार होता है बप्पा के आगमन का, शायद और कहीं नहीं होता। और वो रौनक शायद गली गली हर जगह नजर भी आ रही है। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र दिखाइए तस्वीरें, दिखाइए कैसे मुंबई सज धज कर तैयार है बप्पा के स्वागत करने के लिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अभी लाल बाग के राजा का दर्शन करने के लिए हमें इंतजार करना होगा। कल सुबह 5 बजे दरबार खुलेगा और आम खास वो सारे गणेश भक्त जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उन सभी को यहां आने दिया जाएगा। मैं मौजूद हूं इस समय खुद लाल बाग के राजा के पंडाल में और कल शायद बहुत मुश्किल से खड़े होने की जगह मिलेगी, लेकिन बप्पा का दर्शन नहीं करा पाए, पर वो जगह हम आपको दिखा देते हैं जिसके पीछे बप्पा विराजमान है। ये देखिए, ये जो मरून कलर का आप पर्दा देख रहे हैं, इस पर्दे के पीछे जो है लाल बाग के राजा विराजमान है। कल मुख्य दर्शन के लिए लाल बाग के राजा का ये जो पर्दा है इसे हटाया गया था और तकरीबन शाम 5 बजे से ही लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए और धीरे धीरे 11-12 बजे तक लोगों का आना हुआ, मुख्य दर्शन लोगों ने किया और फिर रात में फिर इसी तरीके से पर्दे को जो है बंद कर दिया गया है। मैं सजावट दिखा देता हूं क्योंकि कल तो हम बप्पा का दर्शन कर ही लेंगे सुबह 5 बजे। थोड़ा सा देखिए बप्पा के आसपास का परिसर कितने प्यारे तरीके से सजाया गया है, महीनों से लगातार काम चल रहा है। मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूं लेकिन मैं कैमरे से शायद वो दिखा पाता कि इस तरह की जो खूबसूरती है, सज्जा सजावट है, वो पूरे के पूरे लाल बाग के हर जगह पे है। अब ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ से ही
बप्पा को विसर्जन के लिए भी ले जाया जाएगा, मेन गेट इसे कह सकते हैं। और यहां से जो लोग आते हैं लालबाग के राजा को छू नहीं सकते, दूर से ही दर्शन करके उन्हें वापस लौट जाना पड़ता है। एक रास्ता और है जहां बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन जिस किसी ने भी घंटे बिताए बप्पा के पास पहुंचा तो कम से कम उनके चरण स्पर्श करने का मौका जो है वो मिल जाता है। इस तरह से कई ऐसे गेट्स हैं जिनकी गिनती बहुत ही ज्यादा है। पूरा ये जो स्थल ही है कहीं ना कहीं देवस्थल के रूप में मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि ये लाल बाग के राजा तो हैं ही। दूसरी गली में चिंचपोकली है और आसपास में जो है मुंबई के राजा हैं। बहुत से ऐसे पंडाल हैं और बड़ी खूबसूरती के तरीके से देखा जा रहा है। फिर एक बार देखिए बेसब्री से लोग। जी 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 बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें। देखिए हर बार हम देखते हैं जब भी बप्पा पधारते हैं अलग अलग जगह पर पंडाल सजते हैं, पंडालों का अलग अलग थीम होता है। और खैर लालबाग के राजा की तो महिमा ही अलग है, कल हमने फर्स्ट लुक भी देखा था। इस बार लालबाग के राजा का थीम क्या है ये भी बताइए। तस्वीरों में हमें कैमरा पर्सन को कहिए कि दिखाते रहें। और अलग अलग जगह जहां जहां भी बप्पा विराजमान हुए हैं कोई स्पेशल थीम कहीं रखा गया है? बिल्कुल, आपको बताएं कि लालबाग के राजा की थीम जो है हमेशा एक ही होती है। ठीक उसी तरीके से मूर्ति बनाई जाती है जैसे हर साल बनाई जाती है और स्पेशली कहीं से लाया नहीं जाता। इस समय बप्पा जहां विराजमान है वहीं पर सबसे पहले उनके पैरों की पूजा होती है। पंडालों का थीम जी, मैं इस समय जहां खड़ा हूं इसके पास में ही मुंबई के राजा का पंडाल है। कुछ देर पहले वहां से रिपोर्टिंग करके हम निकले हैं और दर्शकों को बहुत जल्दी विजुअल दिखाएंगे। पूरी तरह से उज्जैन के महाकाल का निर्माण किया गया है। आपको बताया कि उज्जैन में जिस तरीके से भगवान शिव शंकर की मूर्ति है ठीक उसी तरीके से जो है उज्जैन को पूरा नगरी बसा दिया गया है मुंबई के राजा में। और बहुत ही बड़े परिसर में पूरा मंदिर की तरह से देखा गया है। इसके अलावा और भी ऐसे कई पंडाल हैं जहां पर अलग अलग तस्वीरें अलग दृश्य चलचित्र छायाचित्र देखने को मिल रहे हैं। इस बार लालबाग के राजा की जो सबसे बड़ी खास है वो बस ये है कि जी जी बिल्कुल अपनी बात पूरी कर लीजिए धर्मेंद्र। इस बार लालबाग के राजा की जो सबसे बड़ी जो खासियत देखी जा रही है कि जहां वो विराजमान है उस राज गद्दी पर आसपास मोर के पंख लगे हुए हैं। और स्पेशली भले ही कल से लोग आएंगे ही, लेकिन एक बार जरा सा तस्वीर देख लीजिए जी, बप्पा को छिपा कर रखा गया है। अभी कल लोग दर्शन करेंगे लेकिन फिर भी यहाँ पर चलिए दिखाते रहिए धर्मेंद्र, तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। लौटती हूँ आपके पास, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अरविंद शुक्ला जी आप ही के पास आना चाहूंगी। हालांकि आज 3 बजे से कहा जा रहा है कि चतुर्थी तिथि की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कल उदय पर विराजमान होंगे बप्पा, क्या रहेगा मुहूर्त का समय, क्या है विधि विधान उसका? देखिए सबसे पहले देशवासियों को और जीएनटी चैनल के जो दर्शक हैं उनको आज जो हरितालिका तीज है और कल जो गणेश चतुर्थी रहेगी उसकी विशेष शुभकामनाएं सभी देशवासियों की। तो देखिए जो कल गणेश चतुर्थी है कल उदया तिथि पे है, इसलिए कल गणेश चतुर्थी का पूरे दिन मनाया जाएगा। विशेष जो मुहूर्त है आपके लगभग जो है 11:15 बजे से लेकर के और 12:45 के जो ये बीच का टाइम है अभिजित मुहूर्त है, ये अपने आप में विशिष्ट मुहूर्त है। गणपति जी की तस्वीर को आप स्थापित करें। ये जो 10 दिन का उत्सव चलता है, ये उत्सव क्यों चलता है सबसे पहले इसके विषय में बता दें। गजानन गणेश अपने भाई बड़े भाई कार्तिकेय जी के यहाँ गए थे तो ये 10 दिन का उनका विशेष जो है एक तरह से आतिथ्य सम्मान किया गया था, आतिथ्य सत्कार किया गया था। और गजानन गणेश की जो आप मूर्ति लाएं वो मूर्ति ऐसी लाएं जिसकी शूंड जो है बाईं तरफ हो, तो वह एक जो है शांत स्वभाव की होती है। दूसरा जो गणपति हों वो गणपति बैठे हों और खड़े ना हों, खड़े गणपति की पूजा नहीं करते हैं। दो तीसरी चीज, गणपति जी का अभी जैसे कल से शुरू हो जाएगा तो इसके बीच रविवार का दिन आएगा तो रविवार को दूर्वा तोड़ना नहीं चाहिए, दोष लगता है। तो रविवार के दिन के लिए दूर्वा पूर्व ही आप शनिवार को तोड़ के रख लें। इसके साथ साथ गजानन गणेश जी को तुलसी किसी भी स्थिति में नहीं चढ़ती है, नहीं प्रसाद में चढ़ती, नहीं उनको किसी प्रकार से तुलसी चढ़ती है। उसके अलावा गणेश जी की जो परिक्रमा लगाएं तो गणेश जी की 3 परिक्रमाएं लगती हैं, ये जो है शास्त्रोक्त विधान है। उसके साथ साथ गणेश जी का जो पूरा परिवार है तो पूरे परिवार का स्मरण करें पहले, कौन कौन है परिवार सुन लें बहुत अच्छे से।
भगवान गजानन गणेश की दो पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि, इसके बाद उनके दो पुत्र हैं शुभ और लाभ, और दो उनके पोते हैं अमोद और प्रमोद, तो उनके पूरे परिवार की पूजा करें। तो इस तरह से आप करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशहाली। बिल्कुल, लौटती हूं आपके पास। हमारे साथ इस वक्त चंद्रांशु जी महाराज हैं, और चंद्रांशु जी महाराज जब आप हमारे साथ होते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि कोई ना कोई कथा आप जरूर हमें सुनाएं। अब बप्पा विराजमान होने वाले, पधार रहे हैं हमारे घरों पर, हम सभी स्वागत करेंगे, बप्पा के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन हम क्या कुछ सीख सकते हैं गणपति से? निश्चित तौर पर नवजोत जी, सबसे पहले अग्रिम ही संपूर्ण देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हम शुभकामना देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आचार्य जी से अभी हम लोग सुन ही रहे थे, मुहूर्त के बारे में बड़ा सुंदर विवरण बता रहे थे। ये गणेश चतुर्थी अनेक अनेक मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, शब्द नाम अनेक अर्था, या कलप भेद हरिचरित सुहाए, ऐसे तमाम एक साथ में बातें जुड़ी हुई हैं। अनेक कथाओं से, अनेक किंवदंतियों से, अनेक परंपराओं से कहीं न कहीं गणेश चतुर्थी का त्यौहार भी भरा पड़ा हुआ। हम जिससे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, गणेश भगवान की पूजा क्यों होती है, तो अगर हम गौरी और शंकर भगवान के पुत्र के गणेश के रूप में अगर जानते हैं, तो सबसे पहले यह कहेंगे कि हम सब जानते हैं कि जिस समय भगवान भोलेनाथ का और माँ पार्वती का विवाह हो रहा था, उस समय भी गणेश भगवान का पूजन हुआ था। वहां पर तुलसीदास जी महाराज ने एक समाधान भी दिया है, जो भी विद्वान लोग हैं, पढ़ने वाले हैं, उन्होंने देखा होगा, पढ़ा होगा। उन्होंने कहा, सुर अनादि जिय जान, वह अनादि है, वह कोई गौरी गणेश के नहीं, पुत्र ही नहीं है, ये सर्वथा से अनादिकाल से चल रहे हैं। लीला में किसी अवतार में गौरी और शंकर भगवान के पुत्र के रूप में भी अवतरित हुए। लोक में जो प्रचलित आज की जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कल सप्तमी के 7 तारीख को गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, क्योंकि उदया तिथि है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि जिसमें सूर्योदय नहीं होता, जिस तिथि सूर्योदय समय में जो नहीं होती, उस समय हम लोग उसको मान नहीं करते हैं, इसलिए कल ही हम लोग इस त्योहार को मनाएं। जी। रही बात जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है कि क्यों पूजा जाता है इस समय, तो दो बातें दर्शकों के लिए मेरे मन में विशेष है। एक तो कल के चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना है। हाँ। क्योंकि चंद्रमा का दर्शन करने से दोष लगता है, और यह दोष स्वयं द्वारिकाधीश भगवान को भी लगा था, यह हम सब लोगों ने सुन करके रखा है। इसके विषय में गोस्वामी जी ने भी एक चौपाई लिखा है, सो परनार लीलार गोस्वामी तजौ चौथ के चंद्र के नाई। जैसे चौथ का चंद्रमा का दर्शन नहीं करते उस प्याज होता है, अगर उस दिन दर्शन करते हैं तो हम सबको कहीं ना कहीं मिथ्या दोष लग जाता है, जिस कार्य को किया नहीं होता वह भी कलंक अपने आप में लगता है। और इसी संदर्भ में एक कथा है कि गणेश द्वारिकाधीश जब बैठे होते हैं राज दरबार में, उसी समय सत्यजीत महाराज श्यामंतक मणि, जो सूर्य भगवान ने उनको वरदान स्वरूप में दिया था, उसको पहन करके आते हैं, और पुनः देख करके उनको लगता है, राज दरबार में कुछ लोग कहते हैं कि 8 भार सोना देती है श्यामंतक मणि, तो राजकोष में होना चाहिए। तब भगवान ने तो कुछ नहीं कहा, यद्यप लेकर के चले गए, और उधर सत्यजीत के भाई प्रसेन उस श्यामंतक मणि को लेकर के वन में शिकार खेलने के लिए गए। शेर ने मार करके मणि को लिया, और उसी शेर को मार करके जामवंत महाराज ने उस मणि को ले लिया। लोक में तरह तरह की कलंक लगा, भगवान को कहने लगे, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ही श्यामंतक मणि के लालच में कहीं न कहीं मार करके सत्यजीत के भाई प्रसेन को इन्होंने मणि को लिया है। उस कलंक को मिटाने के लिए फिर भगवान स्वयं गए, जामवंती जी से 28 दिनों तक युद्ध किया, युद्ध में पराजित करके जामवंती जी से विवाह करके, और फिर उन्होंने श्यामंतक मणि लेकर के दिया सत्यजीत को, और फिर शर्म के मारे कहीं ना कहीं सत्यजीत अपने आप उस श्यामंतक मणि के साथ सत्यभामा का विवाह कर दिया। तो निश्चित तौर पर गणेश भगवान का भगवान कृष्ण ने भी पूजन किया था गणेश चतुर्थी के दिन, और उसके परिणाम स्वरूप ही उनका कलंक दूर हो पाया था। बिल्कुल। लौटती हूं आपके पास। हमारे साथ आचार्य जी भी जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि कल का दिन, और इस बार की अगर हम गणेश चतुर्थी की बात करें राज मिश्रा जी, कितनी इम्पोर्टेंट, कितनी अहम है इस बार की? देखिए, कल का दिन वास्तविकता में बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा कल तुला राशि के अंतर्गत संचार करेंगे और ब्रह्म योग होगा। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, मुझे लगता है जिस दिन गणेश जी की आराधना की जाए ना, वो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है,
श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर चौपाई लिखा है। स्टार्टिंग में लिखते हैं कि उनकी आराधना से हमको क्या फल प्राप्त होता है। मुंह कहो ही बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। तो जिनकी आराधना से गूंगा भी बोलने लग जाए, लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ने योग्य हो जाए और उनका जन्म दिवस हो, उस जन्म दिवस में यदि कोई मुहूर्त नहीं भी होगा नवजोत जी ध्यान रखिएगा, तो वो भी अपने आप में सुंदर बन जाएगा, वो दिवस सुंदर बन जाएगा। खैर कल ब्रह्म योग अपने आप में बहुत सुंदर योग है और बहुत दिनों बाद ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में प्राप्त हुई है। शायद मैं सोच सकता हूं कई सालों बाद, आप लोग भी लिख करके दिखा रहे हैं, लेकिन करीब 70-75 वर्ष को मैंने स्वयं देखा कि 70-75 वर्ष तक ऐसा समय नहीं आया जब ब्रह्म योग पड़ा हो चित्रा नक्षत्र के अंतर्गत और तुला राशि के अंतर्गत चंद्र का संचार रहा हो, साथ में शनिवार का दिन पड़ा हो जब भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव हम सभी लोग मना रहे हों। तो कल का दिन वास्तविकता में बहुत शुभ मुहूर्त का दिन है, अपने आप में बहुत सुंदर दिन है और भगवान गणेश जी को शिव पुराण के रुद्र संहिता के अंतर्गत भगवान गणेश जी का जो जन्म हुआ है उसका बड़ा अस्पष्टता से वर्णन मिलता है। सभी देवताओं ने देवादि देवादिदेव महादेव के साथ ये आशीर्वाद दिया है कि जो आपके जन्म दिवस को मनाएगा, जो इस तिथि को सेलिब्रेट करेगा, वो आप वो अपने जीवन के अंतर्गत सभी विघ्नों को दूर कर पाएगा, सद्बुद्धि को प्राप्त कर पाएगा और आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर पाएगा। शिवपुराण के अंतर्गत नवजोत जी बड़ा स्पष्ट रूप से एक बात कहा गया कि केतकी के पुष्प के माध्यम से जो पूजा करे, रुद्र संहिता में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है, केतकी का पुष्प जो अर्पण करे, सिंदूर वो जो पीला वाला सिंदूर होता है, गांव में पहले महिलाएं उस सिंदूर को अपने मांग पर चढ़ाया करती थी, हनुमान जी को चढ़ता है, उस सिंदूर को श्रद्धा से अर्पण करने से भगवान गणेश आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दुर्वा यदि 21 दुर्वा, मतलब दुर्वा भी बड़ा डिफरेंट चढ़ाना चाहिए क्योंकि मैंने इसके बारे में जब हम लोगों को प्रोग्राम करना था वैसे भी कथा करते थे तो उसमें इसका अध्ययन करना पड़ा। तो शिव पुराण के रुद्र संहिता में बड़ा स्पष्ट एक बात का वर्णन है कि जो दुर्वा 12 अंगुल लंबी हो, 12 अंगुल लंबी दुर्वा और 3 ग्रंथियों से युक्त जो दुर्वा हो, 21 दुर्वा एक ग्रंथि बांध करके और दुर्वा का पीछे का भाग गणेश जी के सामने हो और अग्रभाग अपनी तरफ रख करके और भगवान गणेश जी को चतुर्थी के दिन अर्पण किया जाए तो निश्चित रूप से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए, और बहुत सारे सवाल है लेकिन उससे पहले जरा हरलीन जी आपके पास आना चाहूंगी। कल बप्पा को हम सभी लोग घर लेकर आएंगे, क्या रहना चाहिए, पूरा विधि विधान बताइए जरा। जी जरूर, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिकॉज अभी ऐसा एनर्जी है, आप जो दिखा रहे हैं अभी लालबाग की रक्षा, इनका देखिए राजा, उनका राजा की तरह, मतलब वो जैसे सिंहासन है और मतलब वो एक ऐसी फीलिंग आ रही है, एक ऐसी एनर्जी है, देखते ही अभी आपके स्टूडियो से जो दर्शन हो रहे हैं जो दिख रहा है तो एक बहुत अच्छी अच्छी सी फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। और कल ऐसा लगता है कि जैसे आपके घर में एक गेस्ट आ रहे हैं, हम गेस्ट को भगवान बोलते हैं, तो कल भगवान ही गेस्ट होंगे और 10 दिन के लिए वो हमारे साथ होते हैं जब, तो कितनी अच्छी एनर्जी होती है। तो आप जैसे कई लोग बाजार से मूर्ति बनवाते हैं, आजकल तो इको फ्रेंडली मूर्तियां भी बन रही हैं और आप खुद से भी, कई लोग मैंने देखा है कि खुद से भी मिट्टी की बनाते हैं और सुबह सुबह जैसे एक फेस्टिवल का मूड तो होता ही है और गेस्ट आ रहे हैं घर में तो क्या क्या तैयारियां की जाती हैं, वैसे ही तैयारियां की जाएंगी। सुबह नहा धोकर पूजा स्थल को साफ करके वहाँ पे फ्लावर्स जरूर रखिए, वहाँ पे अगरबत्ती दिया खुशबू की चीजें लाइक ऐसी चीजें रखिए, लड्डू जरूर रखिए प्रसाद में, जैसे कि बोला जाता है 11 लड्डू रखिए, 108 रखिए, 21 रखिए, तो पूरा एक जो एनवायरनमेंट है वो कलरफुल होना चाहिए, येलो कलर्स ऑरेंज कलर हो, सारे कलर्स रहेंगे, एक दिया जल रहा है सामने, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा मन में नहीं रखना है कि हमने ये चीज नहीं की, ये गलती हो गई, ऐसा हो गया। जैसे कि मैं एक एनर्जी थेरेपिस्ट हूँ तो हम एनर्जी की बात करते हैं, तो जब 10 दिन या 7 दिन जितने दिन भी गणपति जी आपके घर रहेंगे तो कुछ भी अगर छोटा मोटा ऊपर नीचे हो जाता है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखिए कुछ भी काम की शुरुआत करते हैं तो हम गणेश जी को याद करते हैं तो वो विघ्न आता है, तो छोटी छोटी गलतियों को तो वो खुद ही माफ कर देते हैं और घर से जो भी कष्ट हैं, जो भी बीमारियां हैं उनको वो दूर करते हैं। तो इसलिए कुछ भी अगर ऐसा हो जाता है तो घबराइएगा नहीं, ये मेरी तरफ से एक आपके लिए एक
टिप है, बिकॉज ये बहुत होता है, कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं कि मैम ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हम क्या करें। तो एनर्जीज को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आपके साथ तो उस वक्त भगवान सामने हैं और आपको उनकी लाइक उनको खातिरदारी करने का और वैसे भी कहा यही जाता है कि अगर आप सच्चे मन से आराधना कर रहे हैं तो फिर तमाम गलतियां माफ हो भी जाती हैं। तो गणपति की कृपा पाने का महामंत्र आज हम आपको बता रहे हैं। कल है चतुर्थी तिथि, जब बप्पा विराजमान हो जाएंगे और हमारे घरों में आएंगे, स्वागत कैसे करना है, क्या कुछ विधि विधान होता है, इसके बारे में तो हम अपने तमाम खास मेहमानों से जान ही रहे। लेकिन उससे पहले जरा एक बार रुख कर लेते हैं मुंबई का, क्योंकि रौनक इस वक्त असली रौनक देखा जाए तो मुंबई में है। धर्मेंद्र दिखाइए जरा तस्वीरें, कहां पर आप मौजूद हैं और कैसे सजे हैं पंडाल वहां पर? देखिए, जब भी लालबाग के राजा के हम विजुअल देखते हैं तो एक सीन जो आता है वो सभी को बहुत पसंद होता है कि बप्पा बीच सड़क पर चल रहे हैं और उनका काफिला, उनके जितने दरबारी हैं आसपास चलते हैं, भव्य रूप से सैकड़ों लोग दिखते हैं। मैं समय वहीं खड़ा हूं। ये सबसे पहले आप गेट देखिए कि ये ही विशाल गेट है, ये मेन गेट है लालबाग के राजा का, जिसे एक भव्य तरीके से यहाँ बनाया गया है। लगभग 3 से 4 महीने लगे हुए हैं इस गेट को बनाने के लिए, और इसी गेट से गणपति बप्पा को बाहर भी निकाला जाएगा, विसर्जन के लिए ले जाया जाएगा। देखिए किस तरह से तमाम हाथी और अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग जो चीज़ें हैं वो इस गेट पर लगाई गई है। इस तरह के तकरीबन 2 गेट हैं। अब थोड़ा सा नज़ारा देखिए सड़कों का क्या है, अभी से ट्रैफिक इस तरह की है, कल से तो ये गाड़ियां दिखने भी नहीं वाली हैं, क्योंकि जहां तक नज़र जाएंगे सिर्फ 2 तरह के लोग दिखेंगे, पहले तो पुलिस कर्मी जवान और फिर सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु। दूर दूर तक जहाँ भी नज़रें जाएंगे सिर्फ और सिर्फ लोग ही होंगे। ये जो अभी आप देख रहे हैं गेट के ठीक नीचे, ये जो छोटी सी सड़क जा रही है, ये हमेशा इसी तरह से भरी हुई होती है, क्योंकि ये लालबाग के राजा का बाजार है, मार्केट है। लालबाग के राजा मार्केट नाम से ये जगह प्रसिद्ध है, हर कोई खरीदारी कर रहा है। फूल, हार और मिठाइयों की दुकान भी कुछ ज़्यादा ही आज भीड़ नज़र आई है। इसके अलावा आप थोड़ी सी यहाँ की तस्वीर देखिए, मेन गेट के ठीक सामने ये सिस्टम रखा गया है और इस सिस्टम से कंट्रोल किया जाएगा यहाँ का सुरक्षा। और यहाँ तमाम मंच बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ मंच मुंबई पुलिस को दिए गए हैं, कुछ मंच मुंबई ट्रैफिक को दिया गया है, और कुछ मंच जो हैं वो अग्निशामक दल को दिए गए हैं। साथ ही साथ वो तमाम कार्यकर्ता जो सेवा करने के लिए महीनों पहले ही एज ए मेंबरशिप लालबाग के राजा का ले लिया जा चुका है। ये जो जगह है, ये तीन तरफ से सड़कें आती हैं, एक दक्षिण मुंबई से होती हुई उपनगर मुंबई की तरफ जाती हैं, और ये सारी सड़कें अब कल से 9-10 दिन बंद कर दी जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही आपको दिखने वाले हैं, और ये वो रास्ता है जहां से बप्पा को दर्शन के लिए ले जाया जाता है। ऊपर फ्लाई ओवर है, लेकिन फ्लाई ओवर के नीचे हर एक जो खंभे हैं उस पर LED LCD लगाया गया है, जहां पर अब बप्पा के डायरेक्ट लाइव दर्शन लोग कर पाएंगे, जो कैमरे से दिखाए जाएंगे। तो मिला जुला करके ये पूरा का पूरा माहौल इस समय लालबाग के राजा का बना हुआ है, और कहीं ना कहीं भले ही बप्पा कल आने वाले हैं, लेकिन कतार जो है वो घंटों पहले से ही इस जगह से लगानी शुरू कर दी जाएगी। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए धर्मेंद्र, जहां पर मौजूद हैं लालबाग के राजा के बाहर की तस्वीरें, और वो भव्य गेट भी धर्मेंद्र ने हमें दिखाया। हालांकि दर्शन बप्पा के कल ही होंगे, लेकिन उससे पहले कल हमने दर्शन करवाए भी थे, फर्स्ट लुक बप्पा का दिखाया था लालबाग के राजा का। लेकिन लगातार धर्मेंद्र दिखाइए तस्वीरें, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपके पास आते हुए देखिए, अलग अलग विधान रहते हैं क्या इसके? क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि जो एक दिन के लिए लेकर आते हैं अपने घर पे, फिर उसके बाद 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन, क्या विधान अलग अलग होते हैं क्या? हाँ देखिए, ऐसा है कि जो ये मूर्ति आती है, मिट्टी की तस्वीर लाते हैं, तो ये तस्वीर बड़ी होती है, बड़ी तस्वीर होती तो अपने गर्भगृह जो उनका मंदिर, घर का मंदिर होता है, वहाँ ही रख नहीं पाते, तो इसलिए इनकी सेवा विशेष होती है। तीनों मीटिंग इनकी आरती होती है, जितनी अधिक कोई सेवा कर सके, और तीनों मीटिंग इनका प्रसाद होता है, तो इसलिए व्यक्ति कोई 1 दिन के रखते हैं, कोई 3 दिन के, कोई 5 दिन के, कोई 7 दिन के, लेकिन जो जितनी अत्यधिक सेवा करेगा उतना अत्यधिक फल प्राप्त होगा। कहते ना कि रक्तम लंबोदरम सूर्पा कर्णकम रक्तवाससम रक्त गंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पै सुपूजितम रक्तम लंबोदरम सूर्पा कर्णकम रक्तवाससम। तो इनके लाल कलर के वस्त्र होते हैं,
रक्त गंधानुलिप्तांगम और गंध यानी कहने का तात्पर्य जो सिंदूर है वह सिंदूर इनको अर्पित होता है। और एक चीज और बता दूं आपको कि दो ही ऐसे देवता हैं जिनको सिंदूर अर्पित होता है, एक गजानन गणेश है और एक हनुमान लला है, बाकी अन्य किसी देवता को सिंदूर अर्पण नहीं होता, देवी को अर्पण होता है, क्योंकि ये दोनों माँ के परम प्रिय भक्त हैं। और कहते हैं यो दुर्वांकुरैर्यजति सवैश्रवणोपमो भवति, जो दुर्वा अभी आचार्य जी बता रहे थे तो दुर्वा का साइज वो हो लेकिन जब आप चढ़ा रहे हो तो उसका अग्रभाग है भगवान गजानन गणेश की तरफ हो, लेकिन जब चढ़ाएं तो अग्रभाग पहले अपनी तरफ हो और फिर उसको पलट करके ऐसे चढ़ाएं उनके बिल्कुल इधर बगल में, दुर्वा का विधान ये है। और दुर्वा के विषय में कहते हैं यो दुर्वांकुरैर्यजति सवै श्रवणोपमो भवति, वो जो है व्यक्ति वैष्णव के समान होता है, सब चीजों की प्राप्ति होती है और कुबेर के समान संपन्न होता है। और क्या कहते हैं यो मोदक सहस्त्रेण यति सवांछित फलमवाप्नोति, जो मोदक से भगवान श्री गजानन गणेश का भोग लगाता है या मोदक से सहस्त्र अर्चन करता है वह इस पृथ्वी के हरेक प्रकार के जो है वस्तुओं को प्राप्त करता है। सविद्यावान भवति, जिन विद्यार्थियों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिक्कत आ रही है वो विद्यार्थी इस 10 दिन के उत्सव में, गणेश उत्सव में गजानन गणेश के मंत्र का जाप करें, निश्चित रूप से उनके जीवन में आ रही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विघ्न बाधा में संपन्न होंगे। तो इस तरह से आप करें विघ्नहर्ता, चंद्रांशु जी महाराज विघ्नहर्ता कहा जाता है। और जैसा अरविंद जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि आपके जीवन में आ रहे तमाम विघ्नों को हर लेते हैं बप्पा, क्या कुछ और हम बप्पा से सीख सकते हैं और इन 10 दिन जब बप्पा विराजमान होंगे तो कैसे आराधना उनकी की जाए? सबसे पहले निश्चित तौर पर नवजोत जी, हम लोग तो पूजा भी करते हैं और या पहले कुछ लिखना शुरू करते हैं, हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म में तो पहले किताब में कुछ भी अपने कॉपी में लिखने से पहले श्री गणेशाय नमः ही लिखते हैं, गणेश भगवान का नाम ही स्मरण करते हैं। इसके साथ में जब भी पूजा करने के लिए हम लोग कुछ भी शुभ कार्य मांगलिक कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले वक्रतुंड महाकाय कोटीश्वर समप्रभा निर्विघ्नम कुरमे देव सर्व कार्येश सर्वदा, प्रथम पूज्य तो है ही पर विघ्नहर्ता देवता भी है। हम जो भी मनोकामना करते हैं, अच्छी कामना के लिए कुछ भी अच्छा फल चाहते हैं तो सबसे पहले गणेश भगवान को प्रसन्न करते हैं और हम समझते हैं कि उनकी कृपा से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। बहुत सुंदर एक बात मेरे मन में अभी आपकी चर्चा करते करते जब लालबाग के राजा का दृश्य दिखा रही हैं आप और फिर उस समय मतलब एक बात मन में दृश्य सामने चल रहा है कि मेरे देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो नायक पुरोधा जिनको कहें श्रद्धेय श्री लोकमान्य तिलक जी, बिल्कुल देश में उनके मन में कहीं ना कहीं वो मन में विचारधारा थी कि देश की रक्षा देश की संस्कृत देश के संस्कार से ही कहीं ना कहीं संस्कृत और संस्कृत ही रक्षा कर सकते हैं। तो देश में समाज को एकजुट करने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम ही गणेश भगवान की मृतिका की मिट्टी की मूर्ति का कहीं ना कहीं निर्माण हुआ और लोगों को लगा था छोटा सा कहीं महोत्सव हो रहा है पर महोत्सव देखते देखते इतने व्यापक रूप में इकट्ठा हुआ, इतने लोग इकट्ठा हुए कि गणपति बप्पा मौर्य के साथ में एक जन आंदोलन जैसे उस समय लास्ट तक रूप ले लिया। और उस समय एक जो नारा था कि स्वतंत्रता स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम लेके रहेंगे और कहीं ना कहीं देश की आजादी में हमारे लालबाग के राजा कह लें या गणपति बप्पा का कह लें उनका योगदान है बताइए क्या क्या विधान रहता है, अलग अलग रहता है या एक ही तरह का रहता है और किन बातों का खास ख्याल रखे, क्या करना है क्या नहीं करना है? सबसे पहले नवजोत जी मैं दो तीन चीजें बता दूं। एक तो सबसे पहले बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि प्रेम मन चाहे विवाह को प्रदान करने वाले भी गणेश जी हैं। और प्रारंभ पता है कहां से हुआ था, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं ये सुंदर चर्चा है मैंने कहा इसलिए इसका जिक्र कर लें फिर अलग अलग बातें करेंगे। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं तो माता जानकी भगवान गणेश जी का ध्यान करती हैं और कहती हैं गण नायक वरदायक देवा, हे प्रभु आप मन चाहे वर को प्रदान करने वाले है, तुलग आज की न मैं सेवा और बार बार बिनती सुन मोरी हर चाप गुरुता अति थोरी, इस धनुष को थोड़ा हल्का कर दीजिए ताकि ये टूट जाए, मैं जिनसे विवाह करना चाहती हूं उनसे मेरा विवाह हो जाए। तो भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव या भगवान गणेश जी की पूजा
हम ही आप नहीं मनाते हैं, मुझे लगता है समस्त देवी देवता भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। अच्छा, अब 10 दिन की अगर पूजा की बात की जाए कि ये जो 10 दिन हम गणेश जी की स्थापना करते हैं, 11 दिन तक करते हैं, सो इसमें क्या विशेष होना चाहिए और क्या अलग अलग दिन पूजा होना चाहिए? यस, किया जाना चाहिए। भगवान गणेश जी वो देवता हैं जो 10 दिनों के अंदर हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, इन हमारे 10 इंद्रियों को जागृत करते हैं। और जब ये हमारी 10 इंद्रियां जागृत होती है तो इस संसार में हमको सफलता प्राप्त करने से, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस प्राप्त करने से शायद कोई नहीं रोक सकता है। तो पहले क्या करना चाहिए? पहले ज्ञान इंद्री जागृत करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो पहले जो हमारा 5 दिन का प्रावधान होना चाहिए पूजा में, वो पंचामृत से भोग स्पेशली, बाकी तो पंचोपचार और षोडशोपचार पूजा का विधान है। 5 चीजों से आपको पूजा करना चाहिए या 16 चीजों से आपको पूजा करना चाहिए, लेकिन पहले दिन उसमें स्पेशली पंचामृत से उनका स्नान और पंचामृत का भोग और ओम गंगणपतये नमः मंत्र इत्यादि का उच्चारण जरूर करना चाहिए। उसके बाद अगले दिन भगवान की स्तुति, गायन वादन इत्यादि के माध्यम से या उनके मंत्रों को जोर से चैंट करके उनको श्रवण कराना चाहिए। तो 5 दिन ऐसी चीजें जिसको हम मानसिक जप के द्वारा, मौखिक जप के द्वारा और ज्ञान प्रदान करने वाली चीजों के माध्यम से उनकी आराधना करें, ठीक है। और फिर जो अगला 5 दिन रहे ना, उसमें कर्म प्रधानता वाली पूजा करें, यानी उनको नए नए भोग बना करके, जो भी आपको बनाना आता है उसको नई नई चीजें उनको अलग अलग दिन बना करके खिलाइए। तो 5 दिन आपने ज्ञान के माध्यम से अपने ज्ञान इंद्री को जागृत किया, फिर 5 दिन कर्म करके अच्छी चीजों का भोग लगाकर अपने कर्म इंद्री को जागृत किया, तो फिर आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और उनकी कृपा से आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल। हरलीन जी, आपके पास आते हुए गणपति उत्सव, क्या संदेश इसमें छिपा हुआ है? ऑडियो म्यूट है हरलीन जी आपका? ऑडियो जी, जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं आप। देखिए, गणेश जी से हम बहुत सारी चीजें सीख पाते हैं। सबसे ऊपर है सम्मान, जो उनका, जो एक छोटे से जीव को, एक चूहा, वो उसको उन्होंने जितना सम्मान दिया, तो हम गणेश जी से सम्मान सीखते हैं, हम उनसे खुश रहना सीखते हैं। आप देखिए गणेश जी की जब भी हम मूर्त देखते हैं, हमें वो एक हैप्पी दिखते हैं, खुश रहना, कर्तव्य हम उनसे सीखते हैं। तो ये जो त्योहार मनाते हैं, तो ये सारी सीख हम अपने साथ लेके जाते हैं। 10 दिन के बाद वो हमें ये सीख दे के जाते हैं, ये सारी चीजें, कर्तव्य, स्वाभिमान, उसको मजबूत रखिए, है ना। त्याग को बोला जाता है, अपना जब दांत तोड़ा था और पूरा इससे महाभारत को लिखा था, तो ये भी एक त्याग का उदाहरण है। संतुलन, बैलेंस जो है इनका, वो सिखा कर जाते हैं। चीजों का कैसे सदुपयोग करें, वो सिखा कर जाएंगे। और कुछ भी ऑपोजिट परिस्थितियां रही हैं, तो उनको, जो इनकी लंबी सूंड है, वो ये सिखाती है कि हमें जो भी परिस्थितियां हैं उसका पहले से ही उसका अनुमान लगा लेते हैं कि क्या होगा। तो ऐसी कई सारी चीजें हमें सिखाया जाता है कि कर्तव्य सबसे ऊपर है, माता पिता का कैसे सबसे ज्यादा सम्मान करना है, सबको माफ करने के गुण सिखा कर जाते हैं, काम को अधूरा नहीं छोड़ना है, पूरा करना है, काम की शुरुआत से पहले कैसे भगवान का नाम लेना है, याद करना है, स्वाभिमान के लिए कैसे खड़े रहना है। तो बहुत सारी ऐसी शिक्षा है जो ये 10 दिन, वो एक बोलते हैं ना, एक अंदर से ही एक नॉलेज आती है जब हम 10 दिन तक सात्विक रहते हैं, पूजा करते हैं, 3 टाइम की पूजा, व्रत करते हैं, तो अपने आप ही वो 11 डेज के बाद जो अंदर से ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो भगवान की तरफ से एक आशीर्वाद होता है। बिल्कुल, जो भी भगवान की पूजा करते हैं। बिल्कुल अरविंद जी, देखिए ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग चाह कर भी बप्पा को अपने घर नहीं ला पाते या फिर जाके पंडालों में दर्शन नहीं कर पाते, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, किस तरीके से वो बप्पा का आशीर्वाद पा सकते हैं? देखिए, थोड़ी देर पहले अभी चंद्रांशु महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी आचार्य जी ने, कि भगवान गजानन गणेश की पूजा भगवान शिव के शादी में हुई थी, यह सत्य है। और कहते हैं कि भगवान गजानन गणेश के विषय में कि यो, जैसे अभी बताया कि सर्वम जगदम तत्व तिष्ठति, सर्वम जगदम तत्व जायते, सर्वम जगदम तत्व, तो यह पूरा जगत उनमें समाहित है। सर्वम जगदम तत्व तिष्ठति, सर्वम जगदम तत्व जायते, सर्वम जगदम, तो जो पूरा जगत संसार है उनमें समाहित है और वो जगत संसार में अपने आप में विलीन है। कहने का तात्पर्य कि वो एक तरह से
अजन्मा हैं और वह एक परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में हैं। तो जो नहीं जा पा रहे हैं वो भगवान गजानन गणेश का जहाँ जिस जगह हैं जिस स्थिति में हैं वहाँ उनका सिर्फ एक मंत्र बहुत छोटा सा जाप करें, ओम गं गणपतये नमः। और कहते भी उनके विषय में गजानन विषय में कि बड़ा ही विशिष्ट, क्या मुदा करत्त मोदकम सदा विमुक्त साधकम कलाधरम वसंतकम विलासी लोकरंचकम अनायकैक नायकम विनाशिते भदैत्यकम नता सुभासु नासिकम नमामि तं विनायकम नमामि तं विनायकम। अर्थात विनायक विघ्नेश्वर गजानन को जो नमन करता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं रह जाती है। देखिए आप गणेश का गजानन का प्रथम पूजन क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं कि जब वो उस किसी भी कार्य के लिए जब आप पूजन करते हैं तो उस कार्य में आने वाली जो विघ्न बाधा है उस विघ्न बाधा का वो जब नष्ट करते हैं तभी आपके जीवन में सुखद धन धान्य और हर चीज की पूर्ति होती है। इसके साथ साथ गजानन गणेश में विशेष क्या है, जैसे कि मान लीजिए 10 दिन का उत्सव है, जिन महिलाओं को गर्भ नहीं ठहर रहा है या जो माँ को जो है संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है वो 21 दूर्वा जो है लगातार जो है 10 दिन तक अर्पित करें और मंत्र यही जाप करें, क्या ओम गं गणपतये नमः। और जो जानकार थोड़ी पढ़े लिखे हैं जो संस्कृत का उच्चारण कर सकते हैं वो यदि इस मंत्र का जाप करके और दूर्वा अर्पित करते हैं तो किसी भी प्रकार की उनके जीवन में कोई भी सफलता वह मिलेगी। मंत्र है ये, क्या ओम नमो ब्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तुलंबो दरायैक दंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। बिल्कुल, इस मंत्र का जाप राजी विद्यार्थियों के लिए बताइए क्या करें विद्यार्थी बप्पा की कृपा पाने के लिए। विद्यार्थी के लिए बहुत साधारण है और भगवान गणेश जो हैं, भगवान गणेश जी तो रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं, सद्बुद्धि को देने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मांगत तुलसीदास कर जोरे और बसहु राम सिय मानस मोरे, मुझे मानस लिखना है तो मुझे आपकी कृपा प्राप्त करनी है। तो मेरे दृष्टि से भगवान गणेश जी का एक बहुत सुंदर गणेश गायत्री कहा जाता है, एक दंताय विदमहे वक्रतुंडाय धीमहे तन्नो दंती ही प्रचोदयात। वैसे विद्यार्थी को क्या चाहिए कि वो पीले पुष्प ले जाकर के श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश जी को अर्पण करे और उसके साथ साथ पंचामृत बना करके भगवान गणेश जी को अर्पण करने के बाद उस पंचामृत का स्वयं सेवन करे, अपने नेत्रों को बंद करके अगर पॉसिबल हो गं गणपतये नमः, बिल्कुल ठीक है आचार्य जी ने कि उसको किया जा सकता है, बहुत लाभप्रद मंत्र है। अगर गणेश गायत्री स्पेशली विद्यार्थी के लिए बात कर रहा हूं, यदि आप गणेश जी की गायत्री कर सकते हैं एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहे तन्नो दंती प्रचोदयात, श्रद्धा पूर्वक यदि इसको 108 बार बैठ करके उनका स्मरण करते हुए जपेंगे तो मैं सच कह सकता हूं हृदय के गणेश जागृत हो जाएंगे। देखिए हम सभी के अंदर परमात्मा तत्व तो विद्यमान है, सिर्फ आवश्यक है उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करने का। तो यदि श्रद्धा पूर्वक आप स्मरण करते हैं जप करते हैं तो जो अंदर के गणेश हैं वो जागृत होंगे तो आपकी ज्ञान इंद्री जागृत होगी। एक बात ध्यान रखिएगा नवजोत जी, हम सभी गणेश को ला नहीं सकते हैं, हम सभी गणेश को भेज नहीं सकते हैं, गणेश जी हम सभी के अंदर विद्यमान हैं। हाँ। जो हमारा ज्ञान है वो गणेश जी ही है, तो हमें बस उनकी कृपा से उसको जागृत करने की आवश्यकता है और ये मंत्र मेरी दृष्टि से बहुत लाभदायक। बिल्कुल चंद्रांशु जी महाराज, एक छोटी सी कथा चलते चलते हम चाहेंगे सुना दीजिए आप, जो मुझको लगता है नवजोत जी इस समय हिंदी साहित्य का सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो रामचरितमानस है, गरीब के झोपड़ी से लेकर के बड़े बड़े राजमहलों का और देश से लेकर विदेशों तक व्याप्त है तो रामचरितमानस। और उसका प्रथम श्लोक जो है गोस्वामी जी ने लिखा है, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामी मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायको, विनायको गणेश विनायक भगवान की भी उसमें कहीं ना कहीं आराधना की गई है क्योंकि गणेश भगवान हम सभी जानते हैं कि बुद्धि के देवता हैं और जब तक हमारी आपकी बुद्धि निर्मल नहीं होगी उत्तम नहीं होगी तब तक अच्छे काम कभी हो नहीं सकते। अगर बुद्धि भ्रष्ट हो गई नष्ट हो गई तो कुछ नहीं हो सकता। हमको लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस जो इतनी सर्वव्यापक विद्वानों के लिए अथाह समुद्र है और अनपढ़ लोगों के लिए एकदम सरल है, अनपढ़ गाय भैंस चराता व्यक्ति भी हुई है सोई जो राम रचि राखा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा उसको भी याद है। और विद्वानों के बारे में मैं कहूँ तो हमारे अयोध्या के आचार्य कृपा शंकर रामायणी जी 14 साल तक
28 साल तक पढ़ाते रहे, एक आवृत्ति नहीं पूर्ण कर पाए। तो कहीं ना कहीं जो पहला श्लोक है कि वर्णों के लिए, अर्थों के लिए, छंदों के लिए, रस समूहों के लिए और जीवन में संपूर्ण उत्कर्ष के लिए वाणी विनायक गणेश भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा, तो ही गणेश भगवान की कृपा से कहीं ना कहीं पूर्ण हो सकता है। और अंतिम में मेरा नवज्योति फिर वो वक्तव्य सम्मिलित कर लीजिए कि भगवान को केवल एक ही चीज प्रिय है, वो सबसे ज्यादा है कि भावग्राही जनार्दन। भगवान भाव ग्रहण करते हैं, वस्तु तो उनके पास स्वयं अनंत है, तो जो भी पूजा करने के लिए जाए सबके साथ, सारी वस्तुओं के साथ में शुद्ध अंत। वक्त की कमी है चंद्रांशु जी महाराज, बहुत अच्छी बात, और इसी बात से हम अपने इस प्रोग्राम को एंड करेंगे कि भाव अच्छा होना चाहिए और बस अच्छे भाव के साथ अगर आप प्रभु को याद करते हैं तो जरूर आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।